नमस्कार साथियों, आपका भाई भरत बेनीवाल आप सभी के सामने लाइव। अभी थोड़ा सा लेट हो गया, 8 बजे का टाइम था, 8:20 हो गए हैं। और मैं साथियों आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, क्योंकि आज क्या विभाग थे, स्वास्थ्य विभाग थे और कल और परसों की विभाग की छुट्टी भी है। आज डीबी का कुछ स्पेशल इंतजार चल रहा था कि डीबी में आज सीएचओ के लिए डीबी में सुनवाई थी, तो उसके लिए काफ़ी देर अधिकारियों से अभी लगातार हम लोग बात करते रहे और काफ़ी लेट हो गए। हालांकि 5 या 6 बजे पूरी तरह से बंद भी कर दिया गया था, कर्फ्यू लग गया था। नमस्कार साथियों, जितने भी साथी मेरे साथी भाई जितने भी राम राम बोल रहे हैं उनको राम राम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राधे राधे, सलाम वालेकुम। और जो भी साथी जितने भी खम्मा गणी राजस्थान के और जो अदर स्टेट के भी, उनको भी नमस्कार। और इनकलाब जिंदाबाद और क्रांतिकारी इस्बाल के साथ मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, जितने भी साथी अभी जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हर एक व्यक्ति तक पूरी बात पहुँच सके। काफ़ी साथी लोग एक्साइटेड भी है कि भाई डीबी में क्या रहा, इसके लिए भी एक्साइटेड है। डीबी से खैर अपन को मतलब भी नहीं है साथियों, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े हैं। जितने ज्यादा लोग जुड़े हैं, पहले तो आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें वीडियो को, क्योंकि शेयर करेंगे तो हर एक व्यक्ति तक एक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और कोई किसी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ही है, सभी के लिए पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और मस्त रहने की आवश्यकता है फिलहाल। और बहुत जल्द आप लोग मस्त होने भी वाले हो, इसलिए आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जितने साथी लोग जुड़े हुए हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। काफी साथी लोग हैं जो, अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो मुद्दे हैं वो मुद्दे चारों एक बार मैं बता देता हूं, मेन जिसमें सभी पे पॉजिटिव खबरें हैं, यूं मान लो आप आज, क्योंकि आज हमारी काफी अच्छी वार्ता हुई और कल भी वार्ता हुई थी, कुछ चीजें हमने डाली नहीं थी कल, और आज भी वार्ता हुई है उसके भी कुछ चीजें हम डाल देंगे कल। आज कल में वीडियो जारी नहीं कर पाए थे कुछ एक चीजों के, जो अधिकारियों से हमारी वार्ता हुई थी उसके वीडियोज आप लोगों तक अभी नहीं पहुंचा पाए थे, तो वो भी हम पहुंचा देंगे अभी आपको। और न्यूज भी रेगुलर लग रही है कि जिन जिन अधिकारियों से बात हो रही है और जो जो वार्ता में निष्कर्ष निकल के आ रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। और जिन जिन अधिकारियों से बात हुई तो वो सारी टीवी की न्यूज में भी चल रही है और सब कुछ हो रहा है साथियों। तो सबसे पहले तो एक तो मुद्दा है सीएचओ का, सीएचओ की अंतिम चयन सूची जो जारी करने का है। दूसरा, पैरामेडिकल में जितनी भी भर्तियां तीनों LT RT और ECG तीनों में चयन सूची जारी करने का है। और तीसरा है फार्मासिस्ट भर्ती, जिसको लिखित परीक्षा से कराने का है कि भाई 4105 यानी 4105 भर्तियां हैं, पद बढ़ गए हैं उसमें। काफी अपन लोग संघर्ष कर रहे थे, उसका परिणाम है ये कि पद भी बढ़ गए हैं और उसमें जो आगे की सूचना है उसमें वो बता देता हूं। और जो RUHS के एग्जाम से रिलेटेड और RNC के एग्जाम से रिलेटेड प्लस जो पैरामेडिकल काउंसिल के एग्जाम से रिलेटेड कुछ न्यूज है, तो आप लोगों को सभी अपडेट मैं कर देता हूं तुरंत अभी। तो साथियों आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा 1000 से ऊपर लोग शेयर है, जुड़े हुए हैं, सभी लोग शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। एक एक चीज मैं बता देता हूं अभी आपको लाइन वाइज। तो फर्स्ट चीज है सीएचओ के रिजल्ट की सबसे बड़ी बात। उसके लिए एक अहम सूचना आप लोगों के लिए मैं दे देना चाहता हूं। जैसा कि उस दिन हमारी जो आज से 3 दिन पहले बड़ा आंदोलन हुआ था, सभी साथी लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया, 200-250 के करीब साथी लोग वहां पधारे। सबसे पहले तो उन सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरा धन्यवाद कि आप लोगों की वजह से आज इतने अच्छे से विभाग और मजबूती से काम कर रहा है और सभी लोग स्पीडली काम में जुट गए हैं। आप सब साथियों का ही सभी का साथ है कि आपका भाई आज मजबूती से पैरवी कर पाता है आप सभी की विभाग के सामने। तो सीएचओ के लिए सबसे अहम सूचना सबसे पहली बात मैं बता देता हूं। कई लोग ये चिंतित है कि डीबी में आज सुनवाई थी, तो सुनवाई के तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि सुनवाई की डेट तो आगे की मिल चुकी है। सुनवाई की डेट आज सुनवाई नहीं हो पाई थी, 45वें नंबर पे अपना केस था, वो सुनवाई हो चाहे मत हो, अधिकारियों ने आज स्पष्ट रूप से कह दिया हमें कि सुनवाई डीबी से आपको कोई मतलब नहीं है। डीबी का तो हम इसलिए ले रहे थे उस टाइम, इसलिए लगवा रहे थे कि भाई हम लोगों को ग्रेवियंस निर्धारित करने में और इसमें समय लगने के चांसेस लग रहे थे पहले,
लेकिन आज स्पष्ट रूप से अधिकारियों ने कह दिया है कि भाई हमने ग्रेवियंस सबके सब तय कर दिए, सारी के सारे की लिस्ट बना के और पूरा तैयार कर लिया है मामला, जो भी सिस्टम था पूरा तैयार कर लिया है। मंडे को ग्रेवियंस के लिए कमेटी बैठेगी और वो कमेटी मंडे और ट्यूसडे को दोनों दिनों में जिन जिन को कंसिडर करना है, जो सिंगल बेंच का फैसला था मैंने साफ कह दिया कि साहब डीबी में आपको जाने की जरूरत ही नहीं है और ना ही इस भर्ती पे कोई स्टे है, इस पे साफ कोर्ट ने भी यही आदेश दिए है सिंगल बेंच ने भी कि भाई आप तो जिनको कंसिडर करना है उनको करिए। और उस दिन अपनी वार्ता में यही बात हुई थी और उस दिन वार्ता में जितने प्रतिनिधिमंडल अंदर गए थे सबके सामने ये बात हो गई थी क्लियर। उन्होंने कह दिया था कि हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए, हम चाहते हैं कि फेयर काम हो, इस पे कल को कोई स्टे ना आए, इसलिए हम लोग बहुत ही तरीके से इस काम को कर रहे हैं। और आप एक भी बच्चा उल्टा सीधा रह गया, कोई उल्टा सीधा काम हो गया किसी बच्चे का रोल नंबर या कोई कल को चयन सूची में नाम नहीं हुआ और उसके परसेंटेज का ऊपर नीचे हो जाए या कोई कोर्ट का ऑर्डर की पालना हम नहीं कर पाए, कई लोगों की रिटर्न लगी है उनमें कंसिडर करना है मान लो कईयों को, तो जिन जिन लोगों को कंसिडर हो सकता है, मतलब कि पूरी भर्ती में सीएचओ में जो लोगों को कंसिडर करना था, जैसे मान लीजिए कि भाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, साफ साफ कह दिया कि जो जो लोग कंसिडर हो सकते हैं उनको कंसिडर कीजिए, ग्रेवियंस लीजिए और इनका निस्तारण जिन जिन का हो सकता है करके तुरंत प्रभाव से आप कंप्लीट कर दीजिए, नहीं हो सकता नहीं, जैसा आपको सही उचित लगे उस हिसाब से एक बार देख लीजिए और आपकी कमेटी से भी आप ये पूरी जो ग्रेवियंस ली जाएंगी, परिवेदनाएं ली जाएंगी, इनका निस्तारण करके और तुरंत आप कभी भी परिणाम निकाल सकते हैं, ऐसा सिंगल बेंच ने फैसला दिया था। तो साथियों साफ आज विभाग ने कह दिया है, आज पीडी सर से भी हमारी वार्ता हुई, एमडी सर से भी हमारी वार्ता हो गई, साहब उन्होंने कह दिया है कि भाई हमारा जो 20 तारीख तक का उन्होंने उस टाइम बोला था कि भाई इस सप्ताह का, हमने साफ कहा था उस वक्त उनको कि चाहे एक दो दिन का ऊपर टाइम लगे लेकिन आप इसका ऐसा पुख्ता इंतजाम कीजिए कि भाई 1% भी किसी छात्र को दिक्कत नहीं आए, किसी अभ्यर्थी को दिक्कत नहीं आए, जो चयन सूची में जिनका शामिल हो 7810 में से किसी को भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने उनको साफ कहा था उस दिन अंदर वार्ता में भी। तो साथियों बहुत जल्द इसका परिणाम घोषित होने वाला है और बहुत जल्द 7810 परिवारों को खुशी मिलने वाली है। तो उसके लिए बस ये है कि बहुत जल्द यही चल रहा है कि भी बहुत जल्द काम हो जाए डीबी में, तो ये इसलिए जा रहे थे पहले जाने की थी डीबी में, तो उस टाइम की लगाई हुई थी और ये सुनवाई हुई थी, उसके बाद तो ये इन्होंने 9 तारीख के बाद तो अलग तरह से अब काम करना शुरू कर दिया है। तो जल्द से जल्द इसका निस्तारण होने वाला है साथियों। और साफ अपने उस दिन कह के भी आए थे अंदर भी और आज भी कह रहे हैं, जो 1300 लोग से ऊपर जुड़े हुए साथियों आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि हर एक साथी तक ये वीडियो जरूर पहुंच सके। इससे पहले हम जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, मैंने कहा था हम चुप नहीं बैठेंगे, आज हमारा एक तरीके से मेन वर्किंग डे आज था, कल भी वर्किंग डे था, कल एमडी सर नहीं थे विभाग में इस वजह से ढंग से बात नहीं हो पाई, आज एमडी सर से पीडी सर से ढंग से बात हो गई, कल हमारी पैरामेडिकल के लिए बात हुई थी और हमने घेराव भी किया था पैरामेडिकल की भर्तियों के लिए। तो साथियों जो सीएचओ के लिए तो मैं इतना कहना चाहता हूं आपको कि बहुत जल्द रिजल्ट जारी होने वाला है और हमने साफ कह भी दिया है कि अगर इस सप्ताह में मतलब ये 20-21 तक रिजल्ट नहीं जारी होता है, 1% भी लेट होता है अब इसके बाद, तो हम लोगों ने वापस चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे दुनिया की कोई ताकत, चाहे दुनिया का कोई भी सिस्टम लग जाए, 100% बहुत बड़ा महापड़ाव होगा। और महापड़ाव नहीं भी होगा तो भी ऐसा कुछ होगा कि भरत बेनीवाल अकेला बैठना पड़ेगा विभाग में, अनशन पे बैठना पड़ेगा तो मैं बैठूंगा, सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूं, वैसे ऐसी जरूरत अब नहीं पड़ने वाली है साथियों। बहुत जल्द आप लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है, 1500 के करीब साथी जुड़े हुए हैं, आपसे निवेदन है साथियों कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। और जो डीबी की है वो तो अभी तक डेट अभी मेरे को पता नहीं चली थी क्योंकि अब से 1 घंटे पहले तक हम विभाग में थे, तब वो तो कह रहे थे कि बोले 10 जो भी 15 दिन के लगभग की डेट मिलती है लगभग, तो हो सकता है 15 दिन बाद की डेट मिले, तो डीबी से अपने को अब मतलब भी नहीं रहा, अब तो साफ सीधा उस दिन जो डिसाइड हुआ था अंदर वही बात थी, इन्होंने निस्तारण करके तुरंत प्रभाव से निस्तारण भी कर दिया, सब कुछ कर दिया है, बस कमेटी में ये इसलिए ले जाना चाहते हैं कि फॉर्मेलिटी होती है कमेटी में, जो चीज डिसाइड होती है वो कई लोगों के बीच में होती है, कल को दो लोग अब जैसे पीडी साहब और जो और दो तीन जो मेन लोग काम करने वाले हैं ऑफिसर्स, वो अकेले उसको जैसे ग्रेवियंस का तय कर दिया कि भाई इसको कंसिडर कर लिया, इसको नहीं किया, इसको कर लिया।